नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में दूसरे चरण का मतदान अब जारी है। पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया था जो कि 28 अक्टूबर को हुआ, और दूसरे चरण का मतदान आज यानी कि 3 नवंबर को पटना में हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि दूसरे चरण के मतदान में बिहार के 17 जिलों के 94 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, जहाँ इसी कड़ी में हम पटना के नेहरू नगर में खड़े हैं, जहाँ पर यहाँ भी मतदान जारी है। आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोरोना काल में ये मतदान हो रहा है और कोरोना को लेकर सारे सिक्योरिटी और सारे सिक्योरिटी टाइट है और सेफ्टी को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सुरक्षाकर्मी हैं जो कि सैनिटाइज़र वगैरह लेके खड़े हैं। जो भी वोटर आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज़ किया जा रहा है, वो अंदर जाके मत भी देंगे और उससे पहले उनको पूरे तरीके से सैनिटाइज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले आप अंदर आइए, अंदर आइए। दस नवंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि 10 नवंबर को सरकार बिहार में किसकी बनेगी? एनडीए की ही बननी चाहिए, अब बनेगी जैसा कि आप श्योर हैं कि 10 नवंबर को एनडीए की 100%। तो किन मुद्दों को देखकर आपने इस बार विधानसभा चुनाव में करके क्या, अगर पटना आए होंगे तो क्या 15 साल पहले यही पटना था? यहाँ पर कोई नाला में गिरता था स्कूटर लेकर के, तो कोई देखिए पूरा रोड का जाल बिछा हुआ है। कुछ विकास तो हुआ ही है नीतीश बाबू के सरकार में, यानी कि नीतीश कुमार के सरकार में विकास हुआ है और उसी के तहत आप चाहते हैं कि 10 नवंबर को उनकी सरकार बिहार में बने। 100% बनेंगे। धन्यवाद। तो आइए अब एक मतदाता और हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर 10 नवंबर को सरकार बिहार में किसकी बनेगी। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। भगवान प्रसाद। आप अभी मत अपना डालने जा रहे हैं, आप ये बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है आने वाले 10 नवंबर को, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, सरकार किसकी बिहार में आप देख रहे हैं बनते हुए 10 नवंबर? हमको तो लगता है एनडीए की सरकार बनेगी। किन मुद्दों पर अपना वोट डालना चाहते हैं? विकास के मुद्दे पर। यानी कि आपने देखा है पिछले 15 सालों में आपके हिसाब से नीतीश कुमार के कार्यकाल में विकास बिहार में आपको देखने को मिला? मधेपुरा जिला में हम थे ना जी, हम वोट हम काम करने जाते थे तो स्कूल सबका, बहुत सारे स्कूल का वो छत उड़ा हुआ था, चादर टांग के वोट कराए हम, है ना। और यानी कि 10 नवंबर को आप समझ गए ना, स्कूल समय 4x5 मकान बना हुआ। यानी कि आपको लग रहा है कि 10 नवंबर को ही एनडीए की सरकारी बिहार में बनेगी। आपने अभी अपना मत का प्रयोग किया, आपने वोट डाला है, अभी आपको क्या लगता है 10 नवंबर को जो कि बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, किसकी सरकार आप बनते देखना चाहते हैं बिहार? सर, सरकार जिसकी भी हो, बट ये उम्मीद है कि जितनी भी कार्य जो पिछली बार नहीं हुई है वो सब इस बार होनी चाहिए। जैसे कि सबकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, जैसे कि आप अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फिर आपका जितने भी ये सब अभी घोटाले ये सब हो रहे हैं, सब कोई चाह रहा है कि सब अच्छी सरकार आए जिसके कारण ये सारे सब कुछ से निजात मिले। मुख्यमंत्री के लिए किसका चेहरा फिर से देख रहे हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, किसका चेहरा देख रहे हैं आप इस बार के चुनाव के नतीजों में? मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार होंगे, क्यों जी बिल्कुल 100% आप श्योर हैं कि फिर से नीतीश कुमार ही? मैं पूरा तो नहीं कह सकता, बट फिर भी मेरे हिसाब से जो लग रहा है वो उतना ही वही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जिस तरीके से देखा, यहाँ पर लगातार भीड़ जारी है और लोग अपना लगातार आ जा रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं, और हर एक आप मतदाता को अगर सुनेंगे तो सबका यही कहना है कि बिहार में आने वाले नतीजों में जो विधानसभा चुनाव का नतीजा आने वाला है उसमें नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनते देखना चाहते हैं। तो ऐसा लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है, पटना में भी आज मतदान किया जा रहा है और लगातार बूथ पे कोविड को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ और किया गया है, आइए हम यहीं के जो इन सब की देखरेख कर रहे हैं उनसे पूछते हैं। कोविड काल में ये लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है और दूसरे चरण का आज मतदान भी हो रहा है पटना में, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कोरोना काल को देखते हुए, क्योंकि वोटर्स भी कोरोना वायरस से बचे भी रहें और अपने मत का प्रयोग भी करें? उनके लिए यहाँ उपस्थित सैनिटाइजर का व्यवस्था है और ये टेम्परेचर जांच चेक करने वाला भी है और डिस्टेंसिंग का भी हम लोग पालन करा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का कोई देख रेख किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल किया जा रहा है। तो कोरोना काल में आप देख रहे हैं किस तरीके से लोकतंत्र का भी पर्व मनाया जा रहा है, दूसरे चरण का मतदान आज पटना में भी हो रहा है और जिसको लेकर कोरोना वायरस की बचाव के देख रेख को लेकर भी सारे इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। बूथों पर सैनिटाइजर मास्क अनिवार्य है, उसके बिना आपको प्रवेश वर्जित है। तो आप देखते रहिए, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशन न्यूज़ को। हम आगे भी अभी कई बूथों पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह इस बार दूसरे चरण में आखिर बिहार की जनता किसको देखना चाहती है 10 नवंबर को बिहार की गद्दी पर। नमस्कार।